नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार। और अभी आपने देखा होगा कि शाला दर्शन पोर्टल अभी भी नया लॉन्च हुआ है, जिसमें शाला दर्शन पोर्टल पर एक नया लुक अभी ही मतलब जनरेट हुआ है, जिसमें आप शाला दर्शन के माध्यम से बच्चों की टीसी भी जारी कर सकते हैं। बच्चों के नए डाटा की एंट्री जो जारी करनी है आपको, वह किस प्रकार से करनी है, नए बच्चे जो आपके अभी अभी एडमिशन हुए हैं, जैसे पहली कक्षा में हुआ है या दूसरी या तीसरी चौथी पांचवी, जिस कक्षा में नया एडमिशन हुआ है उसको आप नए सिरे से एंटर किस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक शाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से अभी अभी नया जो लॉन्च हुआ है, इसमें सारी प्रक्रिया अपन देखेंगे विस्तार से, अपन इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से देखेंगे। तो मेरे पूर्व में जो ट्यूटोरियल जारी किए हुए हैं, जैसे टीसी निकालनी है आपको, तो वह भी आप शाला दर्शन के माध्यम से भी टीसी आसानी से जारी कर सकते हैं। तो अभी अभी ये मॉड्यूल जो नया जारी हुआ है, अभी लॉन्च आज मिडनाइट को ही हुआ है, जिसमें समस्त कर्मचारियों के लिए नया ही है, लेकिन मेरे इस जो ट्यूटोरियल मैं जारी कर रहा हूँ उसके बारे में आप देखेंगे तो उसमें आसानी से समस्त प्रकार की प्रक्रियाएं जो इसमें नए जो अपडेशन है वह आपको आसानी से समझ जाएंगे, और इसके माध्यम से आप आसानी से ट्यूटोरियल के माध्यम से आप आसानी से इसको कर भी सकेंगे। तो आइए अपन देखते हैं इसको विस्तार से। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मित्रों। ओके, प्रविष्ट भी करवा दिया है। तो ये है इसकी मुख्य प्रस्तावना, प्रेरक प्रसंग जो अपन अभी नए सिरे से करना है। इसमें शाला दर्शन के माध्यम से आपका विद्यालय प्रोफाइल अपडेट होगा, उसके बाद में कर्मचारी की जो विस्तृत विवरण प्रविष्टि है वह भी इसी में दर्ज होगी। इसका भी मेरा वीडियो जारी किया हुआ है, टीसी के बारे में मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पहले से ही जारी किया हुआ है, और विद्यालय के फ़ोटो अपलोड, जैसे विद्यालय कर्मचारी के फ़ोटो अपलोड करने हैं, जैसे 10 से 20 KB का फ़ोटो बनाकर भी आपको अपलोड करना है, वो सारी जानकारी इसमें है। अपन बारी बारी से इसको प्रत्येक को खोलकर देखेंगे अपन, और आसानी से इसको वर्क वाइज आपको ऑनलाइन भी इसको करवाना है, ताकि आप यहाँ पर शाला दर्शन आपके विद्यालय की प्रोफाइल में आप अपडेट करेंगे, जैसे ही वैसे वो पीओ लॉगिन में ऑटोमेटिकली वहां से चला जाएगा। आप पीओ लॉगिन के अंतर्गत कार्य के अंतर्गत मेरा पुराना वीडियो जारी किया हुआ है, जिसमें अभी आप देख सकते हैं कि पीओ लॉगिन के अंतर्गत शाला दर्शन में अपन अपडेशन करते हैं तो पीओ लॉगिन के अंतर्गत किस तरीके से वो जाता है। तो आइए अपन विस्तार से इसको देखते हैं। अपन आपकी विद्यालय की जो शाला दर्शन पोर्टल पर ही आपको खोलकर इसका अपडेशन करना है, तो ये आपका विद्यालय लॉगिन पूर्व की तरह जैसे है वही पासवर्ड है। यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट किया हुआ आएगा, और यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक, विलेज, स्कूल एंड रिक्वायर पासवर्ड एंड जो कैप्सा कैलकुलेट, यहाँ पर करने के बाद में आप यहाँ पर ये लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके विद्यालय का शाला दर्शन लॉगिन का जो गेटअप है वो खोल जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको जो अनरीड प्रपत्र लिखा हुआ है, अनरीड परिपत्र, अनरीड 20, यानी कि 20 प्रपत्र आपकी शाला दर्शन पोर्टल पर आए हुए हैं, जो बेस है आपका, इसी के आधार पर आपको चलना है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड करके जो होनी है 20, जो 20 मतलब 20 से 10 से 20 KB की जो फ़ोटो आएगी आपकी संस्था प्रधान की, वह यहाँ पर आएगी। उसके बाद में ये अनरीड मैसेज जो हैं आपके ओपन हो जाएंगे, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सारे आदेश आपके सामने खुल जाएंगे, और इसके मुताबिक ही आपको अपना कार्य को सुचारू ढंग से करना है। उसके बाद में जो मेन काम करना है, जैसे आपका स्कूल का प्रमोशन, आप प्रमोटेड 1 यानी कि ये प्रफर्म 1 भर चुके हैं विद्यालय फ़ोटो की, इसमें प्रोफाइल भी अपडेट आपको करना है। विद्यालय का प्रोफाइल आप अपडेट करेंगे तो उसमें कई तरह की जो इंट्रियाज हैं वो भी आपके सामने खुल जाएंगी, जैसे भौगोलिक जानकारी है आपके विद्यालय की, भौगोलिक जानकारी जो भी है, मतलब कितनी कौन सा एरिया है, आपके विधानसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता है, जैसे आपका गाँव कौन सा है, वो सारी जो है वो एंट्री करने के बाद में
यहाँ पर ये विद्यालय का आपके शाला दर्शन कोड भी आपको प्राप्त हो चुका है यहाँ पर, और विद्यालय का डाइस कोड भी आपके लिखा हुआ है। जैसे जैसे आप इसको एंटर करते जाएंगे वैसे यहाँ पर ये नीचे अपडेट बटन दिया हुआ है, अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भौगोलिक जानकारी की स्थिति पर जो ये जो एरोज दिया हुआ है लाल रंग का रेड कलर में, वो यहाँ पर ये चीज़ अपडेट होने के बाद में विस्तृत जानकारी पर ऑटोमेटिकली चलाएगा। अब विस्तृत जानकारी में देखते हैं अपन, विस्तृत जानकारी में ये सारी चीज़ें हैं आपकी, विद्यालय की कक्षाओं में संचालित उच्च सेक्शन है, विद्यालय का प्रकार है, विद्यालय की श्रेणी है, और मतलब विद्यालय के सारे प्रबंधन की जो सिस्टम है आपका वो आपको यहाँ पर दर्शाया हुआ मिलेगा। इसमें विद्यालय की नज़दीकी पुलिस स्टेशन की दूरी कितनी है, विद्यालय के नज़दीक पुलिस स्टेशन का नाम आपको यहाँ पर शो करना है, और विद्यालय में नज़दीकी बस स्टैंड का नाम वगैरह, ये सारी जो जानकारी है जो नज़दीकी जिससे आपके विद्यालय की पहचान हो सके, तो यह आपको यहाँ पर आंकड़े सारे फिलअप करने के बाद में यहाँ पर ली नेक्स्ट एंट्री पर ये चला जाएगा। विद्यालय संबंधित अन्य जानकारियाँ हैं जैसे क्रमोन्नत हुआ हो आपका विद्यालय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में तो यहाँ पर आपको शो करना है, विद्यालय दो परियों में चलता है तो नहीं, और विद्यालय में शिक्षण का माध्यम क्या है, ये हिंदी ऑटोमेटिकली यहाँ पर रहेगा और अपडेट करेंगे। और लास्ट में आपका जो है वो विद्यालय का विषय एवं अन्य जानकारी के संबंध में आपकी क्या विद्यालय योजना में उत्कृष्ट योजना में शामिल है, तो जो भी हाँ ना ये या आपको यहाँ पर टिक करना है, इसको ही मैन्युअली नहीं समझे, ये ओनली मैन्युअली आपके लिए है कि अगर आपका विद्यालय संचालित हो रहा है उत्कृष्ट योजना में तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, विद्यालय कल्प विद्यालय है तो जो भी है आपको FBL वगैरह, तो यहाँ पर उसके बाद में सारी एंट्रीज फिलअप करने के बाद में अपडेट पर क्लिक करेंगे। ये तो हो गया आपके प्रोफाइल विद्यालय का, उसके बाद में कक्षावार कुल कार्य दिवस की प्रविष्टि भी आपको इसी में करनी है, आपके विद्यालय में कुल कार्य दिवस कितने हुए, और ये सारी नई एंट्रीज जो आई है वह सारी एंट्री आपको करनी है। SMC मेन जो मुख्य काम है वो बहुत ही आगे आएंगे, अपन देखते हैं इसको। SMC डिटेल आप पहले कर चुके हो, विद्यालय में राशियों का विवरण, फोटो अपलोड भी, विद्यालय के चार प्रकार के फोटो थे वह कर चुके हो आप, और विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति जो SMC चलती है उसके संबंधित भी आप यहाँ पर एंट्रीज उसको करनी है, और ATG के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्ति का यहाँ पर रिसिप्ट आपको लगानी है। जैसे मेरा प्रत्येक जो वीडियो है इसका हर चीज़ का मेरा ट्यूटोरियल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो कि मेरे हर प्रकार का ट्यूटोरियल जारी किया हुआ मिल जाएगा। जैसे अपन को यहाँ पर ATG के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन करना है उसका वीडियो भी मेरा ट्यूटोरियल यहाँ पर जारी किया हुआ है यहाँ पर, और अदरवाइज आपके इस संबंधित जो कार्मिक की विस्तृत विवरण प्रविष्टि आपको करनी है उसका भी यहाँ पर ट्यूटोरियल मेरे द्वारा जारी किया हुआ है। TC संबंधी है तो वह भी यहाँ पर जारी किया हुआ है, ये TC संबंधी है, इसमें आपको 5th क्लास में आप ये अगर स्टूडेंट प्रमोट हुआ है तो उसको नेक्स्ट 6th क्लास में अन्यत्र अध्ययन है तो आपको TC जारी करनी है। अगर आपका विद्यालय PS है या UPS है तो 9th क्लास के लिए आगे आपने प्रमोट कर लिया है, प्रमोट ऑटोमेटिकली किया हुआ मिलेगा आपको, तो उसके लिए भी ये TC इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आपको जारी करनी है। तो मेरा ये ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप इसका उपयोग भी आसानी से कर सकते हैं। और रही बात कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि, जो आपका जो कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि है वह भी आपको फिल करना है यहाँ पर। ये कार्मिक विस्तृत मतलब यही शाला दर्शन पर कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि जो आपको प्रविष्ट करनी है उसके आधार पर यह इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप आसानी से वह भी कर सकते हैं। उसके बाद में आंगनवाड़ी समन्वयन का करना है तो वह भी इसमें आपको सारी चीज़ जो मेरे इस चैनल के माध्यम से भी आप आसानी से इस ट्यूटोरियल जो जारी किए हुए हैं उसके माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। आसानी से मेरे इन ट्यूटोरियल का उपयोग करते हुए आप इस कार्य को सुचारू ढंग से कर सकते हैं मित्रों। उसके बाद में PO लॉगिन के भी कुछ कार्य हैं, जैसे आप अपने स्कूल में जो अपडेशन करते हैं तो PO लॉगिन के माध्यम से भी आप यहां पर भी आसानी से देख सकते हैं इस ट्यूटोरियल के माध्यम से।
उसके बाद में था लास्ट काम विद्यालय इंस्पेक्टर एवं सिविल कार्य संबंधी प्रपत्र। इसमें आपके विद्यालय के समस्त जो कार्य हैं समस्त इसमें यानी कि विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, विस्तृत जानकारी, मान्यता एवं संबंधी प्रपत्र एवं विषय अन्य संबंधी प्रपत्र जितने भी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके इसमें विद्यालय संबंधी समस्त जानकारी आपको उपलब्ध करवानी है। ये जैसे जैसे आप इसको सुना है उसके बाद में टीचर्स में आएंगे अपन, तो टीचर्स में विद्यालय में कार्यरत शिक्षक वो जो भी हैं उसके अलावा उनकी डिटेल की एंट्री पहले यहीं तक सीमित था। विद्यालय विस्तृत विवरण प्रविष्टि का जो मेरा ट्यूटोरियल जारी किया हुआ है वो मैंने पहले भी बताया है आपको, विद्यालय मतलब विस्तृत विवरण प्रविष्टि, कार्मिक की विस्तृत विवरण प्रविष्टि। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप इसमें कार्मिक की विस्तृत विवरण प्रविष्टि को भी फिल कर सकते हैं ग्रीन में। जैसे जैसे ये आप भरते जाएंगे वैसे कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि में यहाँ जितने भी एन लिखे हुए हैं रेड कलर में वह ग्रीन कलर में यस में बदल जाएगा, वाई यानी कि हो जाएगा। तो यही कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि का प्रारूप है और यहाँ से आप आसानी से प्रिंट निकाल सकते हैं जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई और सारी जो आपने एंट्रीज भरी है उसका पूरा प्रिंट आउट आप आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर विद्यालय प्रपत्र भरने के लिए एडिट बटन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करते ही ये प्रपत्र पूरा खुल जाएगा। जैसे जैसे आप एंट्रीज में एंटर करते जाएंगे वैसे यह प्रपत्र आपको पूरी तरह से अपडेट करते जाएंगे। यहाँ सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये शैक्षणिक योग्यता का पूरा प्रोफाइल आगे ऐसे इस तरह से जिस प्रकार ये एरो दिया हुआ है वैसे खुलता जाएगा। और यहाँ पर सारी एंट्रीज करने के बाद में आप जिस तरीके से पूरी एंट्री आपकी जितनी भी है सारा प्रोफाइल इसमें सर्विस हिस्ट्री भी है तो वो सारी चीज़ करने के बाद में आपकी शैक्षणिक योग्यता और कार्मिक सेवा का विवरण करने के बाद में ये जो प्रोफाइल आपका है वो 100% टिक हो जाएगा। इसके बाद में आता है आपका फ़ोटो अपलोड, यहाँ से 10 से 20 केबी की फ़ोटो अपलोड करनी है आपको अपनी कार्मिक कार्यग्रहण प्रविष्टि आपकी। जैसे आपके स्कूल में नए अध्यापक आते हैं या कार्मिक यहाँ से मतलब रिलीव होता है तो दोनों तरफ से आपको कार्मिक कार्यग्रहण प्रविष्टि का भी अपना ट्यूटोरियल जारी किया हुआ है, इसमें आसानी से देख सकते हैं। और कार्मिक रिलीविंग जो है वह भी आप रिलीविंग भी अब प्रत्येक प्रकार की कोई कागज वगैरह तो अब चलने वाला है, पेपर वर्क यानी कि पूरी तरह से बंद हो गया है और डिजिटल जो सारा वर्क है वही चलना है। और अपडेट कार्य मुक्ति, अगर कार्य मुक्त हुए हैं तो इनको अपडेट भी ये। और तीसरा जो ऑप्शन आता है वो स्टूडेंट का है और यहाँ पर स्टूडेंट प्रफर्म 3 आपने भरा हुआ है जो 3A की एंट्री डाटा किए हुए हैं और एक इसमें इसके बाद में विद्यार्थी को प्रमोट करें तो विद्यार्थी को प्रमोट आपके ऑलरेडी किया हुआ मिलेगा। जैसे 16-17 गत ईयर का आपको प्रमोटेड करना है तो पहली कक्षा में तो आपको 9 रिकॉर्ड फाउंड बताएगा बिकॉज आपके पहली कक्षा में अभी नई भर्ती है, पहली कक्षा में कोई प्रमोटेड नहीं हुआ है। विद्यालय केवल दूसरी कक्षा से आपके प्रमोशंस मिलने शुरू होंगे, जैसे दूसरी कक्षा का बच्चा पास होकर के तीसरी में गया है तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रमोटेड मिलेगा ये बच्चा। आपको यहाँ से डिलीट नहीं करना है इसको, केवल डिलीट आपको डिलीट इस स्थिति में करना है जब बच्चा बिल्कुल ही मतलब यहाँ पर उपस्थित नहीं हो बल्कि यहाँ पर ये प्रमोटेड किए हुए। जैसे ये दूसरी क्लास आपने यहाँ पर दूसरी सिलेक्ट करी है गत लास्ट सेशन की और यहाँ क्लास 2 सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद में गो बटन पर क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये क्लास में प्रमोटेड आपके बच्चे जितने भी हैं वह आपको यहाँ पर प्रमोटेड मिल जाएंगे। उसके बाद में है वो गो टू नेक्स्ट क्लास, तो यहाँ पर तीसरी क्लास को अपन सेलेक्ट करेंगे, तीसरी के बच्चे आपको सेक्शन सेलेक्ट करते ही यहाँ पर चौथी क्लास में प्रमोटेड हुए मिल जाएंगे। और इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास पर क्लिक करेंगे चौथी और पांचवी क्लास, इसी तरीके से आपको
नेक्स्ट प्रमोटेड किए हुए बच्चे आसानी से इसमें अपनी क्लास के मिल जाएंगे। और नए बच्चों की इसके बाद में एंट्री आपको करनी है, जैसे इसकी टीसी जारी करनी है, फिफ्थ क्लास के बच्चे की टीसी जारी करनी है, तो ये टीसी जारी करने का ये ट्यूटोरियल आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें यही तरीका है टीसी जारी करने का, जो इसमें विस्तार से बताया गया है। इसके बाद आता है विद्यार्थी का नाम पृथक्करण, जिसे लगातार एब्सेंट रहता है बच्चा, तो यहाँ पर आप अपना एसआर नंबर, जो भी विद्यार्थी का एसआर नंबर है, वो दर्ज करने के बाद में खोज बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विद्यालय का पूरा उसका जो बच्चे का प्रोफाइल है वो सारा आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। और विद्यार्थी का नाम, मासिक उपस्थिति प्रविष्टि करनी है आपको, तो मासिक उपस्थिति यहाँ प्रविष्ट करने के बाद में, अभी आपने 3A के अंतर्गत डाटा लॉक नहीं किए हैं, जब तक पूरी प्रविष्टि आपके एडमिशन, जैसे कि जुलाई दी हुई है, 31 जुलाई दी हुई है, आधार तिथि अपनी 30 सितंबर है, तो जब तक वह आधार तिथि और आपके एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक आप यहां पर लॉक नहीं करेंगे, तब तक आपको यहां पर बच्चे का नाम जो है मासिक उपस्थिति आप आसानी से भर नहीं सकेंगे। इसको लॉक करने के बाद में समस्त क्लासों की उपस्थिति को भी आपको भरना है, जैसे जुलाई में वर्किंग डेज कितने थे, जैसे मान लो 25 वर्किंग डेज हैं तो उसमें बच्चा कितने दिन उपस्थित रहा, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे सीज़न 17, 18 जो भी होएगा, और क्लास आपकी और सेक्शन, और यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करने बटन पर क्लिक करना होगा। और अब खास जो चीज़ जो आ रही है आपके सामने, नव प्रवेशित विद्यार्थी, यानी कि नव प्रवेशित विद्यार्थी के एंट्री किस तरीके से करें आप, तो इसके बारे में भी जितने भी आपके पास में नव प्रवेशित विद्यार्थी अभी आए हैं तो उनकी एंट्री पे आपको यहाँ पर इसी में करनी है। आपके शाला दर्शन पोर्टल पर आप जब करेंगे जब ही वो जाकर पीओ लॉगिन में ऑटोमेटिकली आपके आ जाएगा। तो इसमें डीड स्टूडेंट स्टडीज प्रीवियस एंड डू यू हैव स्टूडेंट प्रीवियस स्कूल डॉक्यूमेंट, मतलब ये कह रहा है कि आपके पास में पूर्व में विद्यार्थी के डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं क्या, जैसे पहली क्लास में आप बच्चा एडमिशन लेने आया है, फिर फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने आया है, तो उसके पास में न तो कोई पूर्व का डॉक्यूमेंट होगा और न ही कोई वो उसके पास में कोई टीसी वगैरह से मतलब है यहाँ पर, तो वो डॉक्यूमेंट उसके पास में उपलब्ध नहीं होगा। और अगर आपका बच्चा, मतलब आपकी स्कूल में जो बच्चा आ रहा है वो दूसरी क्लास में एडमिशन लेने आ रहा है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, जैसे पहली कक्षा में एडमिशन लेने आ रहा है तो यहाँ पर नो करेंगे, बिकॉज उसके पास में पहले से कोई डॉक्यूमेंट या एविडेंस कोई उपलब्ध है ही नहीं, पहली क्लास ही अपने विद्यालय में आकर एडमिशन ले रहा है। डू यू हैव शाला दर्शन टीसी नंबर, मतलब उसके पास में शाला दर्शन का टीसी का जो नंबर है क्या, सीरियल नंबर, तो शाला दर्शन की टीसी का, तो जो आपके शाला दर्शन कोड जो जारी हुआ है अभी नया, उसके अंतर्गत आपको वह ऑटोमेटिकली जैसे ही टीसी आप जारी करोगे तो शाला दर्शन का कोड जो उसके ऊपर लिखा आ जाएगा। अगर इफ मतलब कि बच्चा आपको चौथी क्लास में एडमिशन लेने आता है तो वो तीसरी क्लास से टीसी लेकर आएगा कि पूर्व विद्यालय में जो पढ़ा है उसकी टीसी लेकर आएगा, उस पर सारी चीज़ शाला दर्शन कोड वगैरह सारी चीज़ उस विद्यालय का लगा हुआ होगा। और बट यहाँ पर क्या है कि बच्चा भी पहली क्लास में एडमिशन ले रहा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नौ पर सेलेक्ट करेंगे, और अगर मान लो कि बच्चा मान लो दूसरी क्लास में या तीसरी क्लास में एडमिशन लेने आ रहा है तो यस करते ही यहाँ पर उस विद्यालय का शाला दर्शन कोड मांगेगा। तो सेलेक्ट क्लास विच स्टूडेंट, यानी कि उस बच्चे की आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, जैसे पहली कक्षा में एडमिशन ले रहा है या दूसरी में ले रहा है या तीसरी में ले रहा है, फॉर एग्जांपल ये पहली कक्षा में एडमिशन ले रहा है तो यहाँ पर गो बटन पर क्लिक करेंगे उसका फॉर्म ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो यहाँ पर ओल्ड स्कूल नेम, पूर्व विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्योंकि यहाँ पर पहली कक्षा सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर पूर्व स्कूल का नाम तो आएगा नहीं, ओल्ड स्कूल टाइप के
कैसा है, मतलब प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा जो भी है वो संस्कृत वगैरह गैर राजकीय है, प्राइवेट स्कूल है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में लास्ट क्लास उसकी कौन सी है, कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि पहली क्लास में एडमिशन कर रहे हैं उसका, और रिजल्ट भी उसका कुछ भी नहीं आएगा। नेम, स्टूडेंट नेम यहाँ पर आएगा, फादर नेम आएगा और उसके मदर नेम, और कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी जो भी होगी उसकी वो यहाँ पर अपन शो करेंगे, और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ उसकी यहाँ पर शो की जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और उसका मोबाइल नंबर और सीजन और उसका सेक्शन। सेक्शन में केवल दो ही हैं, ए और बी, और उसका सीरियल नंबर, एसआर नंबर, यानी कि जो अपने रजिस्टर में प्रवेश में जो एसआर नंबर अपन ने दिया है, जो चढ़ाया है उसको, नया प्रवेश दिया है, तो वो एसआर नंबर यहाँ पर डालेंगे, और स्टूडेंट एडमिशन डेट अकॉर्डिंग टू स्कूल एसआर नंबर, और वह डेट लिखेंगे जिस दिन अपने विद्यालय में उसको अपने एडमिशन दिया है, एसआर नंबर में अपन लिखते हैं, वही डेट यहाँ पर शो की जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पर सेव इंट्रीज पर क्लिक किया जाएगा, तो वो यहाँ पर आपका जो भी एंट्री करेंगे वो यहाँ पर नीचे दर्शा दी जाएगी। तो इस तरीके से मित्रों, ये जो नया फीचर जारी हुआ है अभी शाला दर्शन पोर्टल पर, इसको आसानी से आप कर सकते हैं, और जहाँ तक हो मेरे चैनल पर हर प्रकार का ट्यूटोरियल जारी किया हुआ मिलेगा आपको, इसके माध्यम से आप आसानी से इसको फीडअप कर सकते हैं। ओके, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें मित्रों, मेरे नए वीडियो होती। थैंक्स।